हेलो दोस्तों, वेलकम मोटिवेशन किंग स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कनेक्टर, स्प्लाइस और स्प्लिटर। तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं फाइबर्स ऑप्टिकल फाइबर्स में जो फाइबर कनेक्टर होते हैं, आखिर फाइबर कनेक्टर होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि और डेटा केबल कनेक्शन बिटवीन टू फाइबर इज रिलाइज्ड बाई यूजिंग फाइबर कनेक्टर, मतलब एक ऐसा केबल जो दो फाइबरों को जोड़ता है कनेक्टर, यानी कनेक्टर से आप समझते हैं कनेक्ट करना, अर्थात जैसे कोई दो डिवाइस हो गई कनेक्ट करना, कोई दो आर्टिकल होंगे, कोई दो वस्तु होंगे जोड़ना, उसे कनेक्टर कहते हैं। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल केबल को जोड़ना कनेक्टर कार्य करता है। आखिर ये जो फाइबर कनेक्टर है इसकी नीड हमें क्यों पड़ी, ठीक है? तो हमको बता दें जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर संचार तंत्र में दो फाइबरों को जोड़ने की आवश्यकता अक्सर पड़ती है, यानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता पड़े इसको जोड़ने में कार्य करें। मतलब कि जब एक स्थान दूसरे स्थान तक बहुत दूरी तक हम किसी वायर को भेजेंगे तो इतना लंबा वायर होगा नहीं, तो उसे आपस में जोड़ना होगा, इसलिए हमें कनेक्टर की आवश्यकता पड़ी। इसके अतिरिक्त मल्टी मोड फाइबर को जोड़ने में स्प्लाइसिंग तकनीकी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई, अब तक कनेक्टर के द्वारा ही मल्टी मोड फाइबर में ज़्यादातर जोड़ा जाता है। मतलब इसको जोड़ने के लिए स्प्लाइसिंग तकनीकी का यूज किया गया जो सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए हमने कनेक्टर का इस्तेमाल किया, ठीक है? जो फाइबर को टर्मिनेट करने के लिए सिग्नल मोड फाइबर में तो फैक्टोरी जो फैक्ट्री से लगे हुए पीक टेल वन ही इस्तेमाल होता है, किंतु मल्टी मोड फाइबर को कनेक्टर के द्वारा ही टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है? जो कनेक्टर आर यूज टू लिंक फाइबर केबल विद द ट्रांसमीटर, यानी ट्रांसमिट करने के लिए ये फाइबर को, मतलब सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया गया। ये कनेक्टर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? बट ज्वाइंट कनेक्टर एंड एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर। तो बट ज्वाइंट कनेक्टर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट ज्वाइंट कनेक्टर जिन दो फाइबर को कनेक्ट करना होता है किंतु सिरे के एंड पॉइंट को धातु के एक प्लग जिसे फेरल कहते हैं, इस फेरल के बीच में एक जोड़ होता है जिसमें फाइबर आसानी से फिट हो सकता है। फाइबर के सिरों को अलाइनमेंट स्लिप की सहायता से बिल्कुल मिलाकर रख देते हैं, जिसे बट ज्वाइंट कनेक्टर कहते हैं। यह सरल व सस्ता होता है। तो हम आपको डायग्राम दिखाते हैं बट ज्वाइंट कनेक्टर का, डायग्राम कैसे होता है। ये आपका डायग्राम है बट ज्वाइंट कनेक्टर में। इसके ऊपर नीचे देखिए के अलाइनमेंट है और ए अलाइनमेंट है, ठीक है? इसको हमें जोड़ना है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर वन, फाइबर वन, फाइबर टू, यानी इसे बट ज्वाइंट की तरह कनेक्शन किया जाता है। जैसे हम वेल्डिंग करते हैं टी ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, सी ज्वाइंट, एल ज्वाइंट जैसे होता है ना, तो ये जो ज्वाइंट है ये बट ज्वाइंट है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडेड बीम ज्वाइंट। जो आपका ये बट ज्वाइंट है ये सरल और सस्ता भी होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी आसान होती है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर। व्हाट इज एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर? इस कनेक्टर में दो फाइबर को ज्वाइन करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक कॉलीमेटिंग लेंस तथा एक फोकसिंग लेंस होता है। इसमें एक कॉलीमेटिंग लेंस होता है और एक फोकसिंग लेंस होता है। अभी हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे उसका, कहाँ पर कॉलीमेटिंग लेंस है, कहाँ पर फोकसिंग लेंस है। जो कंडक्टिंग लेंस होता है इसमें, ठीक है, जो कंडक्टिंग लेंस फाइबर की लाइट को फेरल बीम में कन्वर्ट कर देता है, और फोकसिंग बीम पैरेलल बीम को फोकसिंग में कन्वर्ट कर देता है। यह मल्टी फाइबर कनेक्टर के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। इसके प्रयोग से लेटरल तथा लॉन्गिट्यूडिनल की संभावना दूर की जा सकती है। तो हम आपको स्ट्रक्चर इसका दिखा देते हैं, इसका डायग्राम आपको दिखा देते हैं कि एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो लेंस, इसमें दो, देखिए पहले इसमें दो लेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें एक ये कॉलोमेटिंग लेंस है और ये आप तो जानते हैं फोकसिंग लेंस है। यहाँ से ट्रांसमिटिंग होगा जी, आप ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ठीक है, इसमें ट्रांसमिटिंग यानी यहाँ से सिग्नल हमारा ट्रांसमिट होगा और यहाँ पर रिसीव होगा। यह दो लेंस की सहायता से इसे कनेक्ट किया गया है।
ये जो बीम आपको लेजर की टाइप दिख रही है डॉटेड, ये एक्सपेंडेंट बीम है, ठीक है। ये रहा आपका एक्सपेंडेंट बीम कनेक्टर, और इसके पहले हमने आप डिस्कस किया था बट ज्वाइंट कनेक्टर। इसमें जो सबसे सरल संरचना है बट ज्वाइंट कनेक्टर की, जबकि जो एक्सपेंडेंट बीम कनेक्टर है इसकी संरचना थोड़ी कठिन है पर आसान है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज की जाती है बट ज्वाइंट कनेक्टर, बहुत ही कम मात्रा में आपको यूज किया जाता है एक्सपेंडेंट बीम कनेक्टर। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कनेक्टर की संरचना, कनेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।